हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन एकेडमी जय चैनल। आई एम समीर चिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज का वीडियो का टाइटल देख के तो आप सारे बच्चे खुशी हो गए होंगे कि भाई हमसे सर सवाल नहीं बन रहे थे, और आप अब यहां पर बताने वाले हैं कि यार इसका उपाय क्या है, हमें कैसे यहां पर फॉलो करना चाहिए, अपने डे टू डे प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमसे सवाल बनना शुरू हो जाए। तो आप यहां पे एकदम सही जगह आए हैं बच्चों। आज हम यहां पर जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हर एक प्रॉब्लम का हम यहां पर आपको हल बताएंगे, आपने कैसे उस समय रिएक्ट करना है, आपको यहां पर क्या क्या चीजें उसके बाद याद रखनी होती है अगर एक बार आपसे सवाल नहीं बनते हैं। तो सभी कुछ हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप यहां पे वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। और आपको यहां पर बच्चों में टोटल 5 प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो आप यहां पे फेस करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहां पे सवाल सॉल्व नहीं करते आते हैं। और आपको अगर इन पांचों में से कोई भी प्रॉब्लम फील होती है कि हां सर ये एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम थी और अब मैं आपके जो है बताए हुए सजेशन पे वर्क करूंगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आप कैसे उसमें यहाँ पे आगे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को पुट ऑन करते हैं। हालांकि मेन मतलब सभी बच्चों का यही होता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, अब आप बताइए कि हम यहाँ पर क्या करें। बट पूछने का तरीका सबका काफी अलग अलग होता है। जो हम यहाँ पे बच्चों के साथ में डाउट सेशंस लेते हैं उसके अंदर भी बच्चे बहुत बार जो है अपनी जनरल क्वेरीज पूछते हैं, और उनका पूछने का तरीका देखो काफी अलग अलग होता है, काफी इनोवेटिव तरीके से पूछते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास में ना सब समझ में आता है, लेकिन जब आप बुक सॉल्व करने के लिए बोलते हो, डीपीपी सॉल्व करने के लिए बोलते हो, तो वहां पे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। क्लास में तो आ जाते हैं लेकिन सर समझ में है ना। तो दे वांट टू बेसिकली कन्वे कि सर पढ़ा तो आप सही रहे हो, मैं भी रोज आ रहा हूं सर क्लास में है ना, लेकिन क्या है जो सेकंड स्टेप है वो मुझसे नहीं हो पा रही है। या फिर कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैंने मेहनत करी लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मुझे सॉल्यूशन देख के ही यहाँ पर जो है सवाल बन पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता है कि हाँ 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 ये ऐसा मैं भी करता तो मुझसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन सर पहली बार मैं खुद से क्लिक नहीं करता है मुझे है ना। ये भी एक बहुत जनरल तरीका है बच्चों को यहाँ पे पूछने का कि सर सवाल नहीं बन रहे, अब आप बताओ यहाँ पर उपाय क्या होना चाहिए। या फिर बच्चे कहते हैं कि सर आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है लेकिन मैं खुद से सोच नहीं पाता हूँ सर है ना, आपका सपोर्ट मिलेगा तो सर हम यहाँ पे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर जाएंगे राइट। सो ये सभी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को यहाँ पर आती होंगी है ना। आप ये भी बता सकते हैं कि इन तीनों में से ज्यादा आपको यहाँ पर रिलेटेबल कौन सी प्रॉब्लम लग रही है, आपने किस तरह से यहाँ पर इसके पहले अपने एजुकेटर से प्रॉब्लम पूछे हैं है ना, एंड उनका रेक्टिफिकेशन हम यहाँ पे जल्द से अब अपने वीडियो में यहाँ पर शुरू करते हैं। एंड द रियल प्रॉब्लम हैज टू बी आइडेंटिफाइड बच्चों है ना। आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहे यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट कितने ही सामने वाले को फेंक दो है ना, एजुकेटर तो एक्सपीरियंस ये रखता है कि वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आप केवल ऐसा जनरल स्टेटमेंट जब एजुकेटर को बताते हो तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। हमें यहाँ पर रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अगर इस बात को रिलेट करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ऐसा समझो कि आपको लेट अस से है ना आज अच्छा नहीं लग रहा, आप बीमार फील कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास में जाके अगर उसको बस इतना ही बोलो कि सर मैं बहुत बीमार हूँ सर मुझे ठीक कर दो, तो आपने इतना वेग स्टेटमेंट दिया है कि डॉक्टर आपको उस समय इलाज नहीं बता पाएगा। आपको थोड़ा और उसको जो है डीप में सोच के बताना पड़ेगा कि यार एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, बुखार आ रहा है, आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जब आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सही तरीके से, रियल प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद में ही उसका सॉल्यूशन सही तरीके से आपके सामने आना स्टार्ट होता है। हो सकता है कि सॉल्यूशन आप खुद से नहीं सोच पा रहे, आप यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, डॉक्टर है, जैसे आप उससे इलाज पूछ रहे हो वैसे ही एक्सपीरियंस पर्सन आपके एजुकेटर्स हैं, आप उनसे अपनी जो है क्वेरीज रिजॉल्व करवा रहे हो यस, बट मेक श्योर दैट यू फर्स्ट योरसेल्फ आइडेंटिफाई कि आपका यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। एंड मैं एक एक करके अपने साइड से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू रिलेट विद एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ द इश्यूज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और जो उसके अंदर आपको यहाँ पे इलाज बताया जा रहा है ना, आपकी तबीयत यहाँ पे सही करने के लिए जो इलाज बताया जा रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे अब जो है अमल करना पड़ेगा, उसको फॉलो करके उसको यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है कि हाँ अब हमें यहाँ पर जो है ये सब करके सवाल बनना स्टार्ट हो रहे हैं राइट। सो कैन आई टेक दिस एज अ गारंटी कि आप लोग यहां पे इस वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे है ना। जल्दी से यहां पर कमेंट सेक्शन में ये बताएं सारे बच्चे कि क्या आप यहां पे एटलीस्ट इतना गारंटी खुद से कर सकते हैं कि हाँ यार चलो लेट अस चेंज, लेट अस मेक अ चेंज, क्योंकि यार ये प्रॉब्लम हमारी यहां पर सच में काफी परेशान करने वाली है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो नंबर आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में वो तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही मिलने वाले हैं। आप कितना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज किंग यहाँ पर बोलो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट इज किंग यस वी नो दैट, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए राइट। एंड आपको एक बात यहाँ पे बताऊं, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप यहाँ पे एक्चुअली शायद एग्री नहीं करोगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को एग्री करने के लिए बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है ना। आपको यहाँ पर जो है बैठ के कई बार ये सोचना पड़ता है कि यार सच में क्या इशू है,
और मैंने कई बार बच्चों के साथ में जो इंटरेक्शन यहाँ पर किए हैं, आपने तो यहाँ पर देखा ही है कि प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमारे यहाँ पर इंटरेक्शन और बच्चों के साथ में बेहतर तरीके से होता है, तो बच्चे काफी फ्रीली अपने क्वेरीज यहाँ पर रखते हैं मेरे सामने। एंड मोस्टली द आउटकम इज कि यार बच्चे ना थ्योरी याद ही नहीं रख पाते हैं। आपको यहाँ पर रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने जो जेई का यहाँ पे सिलेबस पूरा यहाँ पे पढ़ने का सोचा है उसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट है। इट इज नॉट इजी एज द सिलेबस जो आपका 9th और 10th तक हुआ करता था। आपके 11th 12th में आके ये जो एक्सप्लोशन हुआ है उसमें आप चीजें सही तरीके से याद रख लो, वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट होता है। आपके एजुकेटर्स यहाँ पर जो है किसी एक सब्जेक्ट को संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसे 3 एजुकेटर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं या 6 एजुकेटर्स आपको यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास में कितना ज्यादा इनफ्लो है नॉलेज का, जिसको आपके अपने दिमाग में रखकर फिर यहाँ पर जो है आपको सवाल करने पड़ते हैं। एंड अगर आपको ये टेस्ट करना है कि वाकई कि आपको यहाँ पे थ्योरी याद है या नहीं, तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इस तरीके से अपना जो है किसी भी चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। और ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चों बोला कि सबसे पहला आज का यहाँ पे काम जो आपका होगा वो यही है कि यार रियल प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इज कि आपको थ्योरी याद नहीं रहती है। ये रियलाइज पहले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चैप्टर के लिए आप यहाँ पर फ्लो चार्ट जैसा कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि इसके अंदर क्या क्या सिखाया गया है। एंड पीएनसी का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से कॉन्सेप्ट ही ढूंढ नहीं पाते हैं। आपके क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है लेकिन आपको गलत ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप यहाँ पे जो है आंसर आना चाहिए था 20, आप निकालते हो 2000, है ना। इतना वेरिएशन आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो कि यार कितने अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया है, राइट। तो जब आपको यहाँ पे थ्योरी पूरी याद है, आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या सिखाया गया था, आपने उसको 100% रिटेन किया है, तो आप कहीं जाके ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके सामने जब सवाल आएगा तो आप उन सभी कॉन्सेप्ट में से जो सही कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ोगे और फिर उसको अप्लाई करके सही आंसर निकालोगे, है ना। सही कॉन्सेप्ट पता होना अपने आप में सबसे बड़ी टास्क है, उसके लिए आपको थ्योरी यहाँ पे रिवाइज करनी पड़ेगी बेटा। आपको ऐसा लग सकता है क्लास में बैठ के कि वाह सर आज तो आपने क्या पढ़ाया सर, मजा आ गया। बहुत सारे बच्चे क्लास खत्म होने के पहले बोलते हैं वाह सर आज मजा आ गया सर, है ना, आज तो सर अलग ही मजा आया, आज यहाँ पर सर 2 घंटे कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी मिनट ऑफ द लेक्चर, तभी आपको यहाँ पर समझ में आई है बात, आपको यहाँ पर मजा आया है। लेकिन आप यहाँ पे उसको अगर रिटेन नहीं करोगे तो फिर से प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। आपके क्लास में जो डिस्कशंस होते हैं बच्चों वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, आपको यहाँ पर फॉर्मुलेस बताए जाते हैं, बहुत बार फॉर्मुलेस का डेरिवेशन करके दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज कॉल्ड क्लास इलस्ट्रेशंस। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में एजुकेटर्स 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल कभी कभी 10 सवाल भी कराता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1-2 सवालों में क्लियर नहीं होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कभी भी ये फेस करते हैं कि यार मुझे ना क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन घर पे मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप एक टेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। वो टेस्ट ये है कि आप सबसे पहले ना अपने क्लास इलस्ट्रेशन उठा के पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके एजुकेटर के हिसाब से अगर कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको चमकाना है तो ये क्वेश्चंस तो पहले आपको पता होने ही चाहिए, जिनको हमने क्लास इलस्ट्रेशन का नाम दिया है। और अगर आप वही भूल चुके हो तो आपसे नए सवाल कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है एज एजुकेटर वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार हाँ बच्चे ने अगर इस तरह के 10 सवाल देख लिए ना इस टॉपिक के, तो अब कोई नया सवाल भी आएगा ना तो बच्चा रिलेट करेगा कि हाँ ये वाला सवाल ना क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ये वाला सवाल ना हाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो सर ने कराया था उसके जैसा है, राइट। सो हमारे दिमाग में एज एजुकेटर्स ये है कि हमने यहाँ पे बच्चों को अगर सब कुछ पढ़ा दिया है और अगर उसने अगर रिटेन किया है तो अब आगे उसको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आप आके बता रहे हो हमें कि नहीं सर हमसे सवाल नहीं बन रहे, तो क्या ये एक प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के डेट में मैं जितने बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 80% जनता तो ये एग्री करेगी कि उन्होंने कभी यहाँ पे खुद से क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व करके ही नहीं देखे। रिविजन के टाइम पे भी पढ़ लिया क्लास इलस्ट्रेशन, खुद से सॉल्व करके नहीं देखे। अगर आप खुद से पेन उठा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे क्लियर होगी कि अच्छा जो क्वेश्चन समझने के लिए, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है मुझसे वही नहीं बन रहे। अगर वही नहीं बन रहे तो नए क्वेश्चन क्या खाक बनेंगे मुझसे? नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इमेजिन क्या करना है, आपको यहाँ पर इमेजिन करना है जैसे कि एक मैकेनिक होता है ना, यहाँ पर इसलिए फोटो इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। एक मैकेनिक अगर है, ठीक है, तो उसके पास में क्या होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। और अगर आपको लेट से टायर का पंचर यहाँ पे सही करना है, आप मैकेनिक हो ऐसा इमेजिन करो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में पहले तो पूरी प्रोसेस होनी चाहिए, राइट, कि अच्छा अगर मुझे टायर का पंचर सही करना है तो पहले तो मुझे पूरा व्हील बाहर निकालना पड़ेगा। तो व्हील बाहर निकालने के लिए कोई टूल एग्जिस्ट करता है क्या?
अगर आप भूल ही गए कि व्हील बाहर निकालने के लिए भी एक टूल है, तो आप क्या करोगे? वो नट के हाथ से खोलोगे? क्या खुल जाएगा आपसे? अगर आप ये भूल ही गए कि भाई वहां पे एक पाना भी होता है जिसकी मदद से बड़ी आसानी से यहाँ पे टायर बाहर निकाला जा सकता है, तो भाई आपको यहाँ पे मतलब वो पंचर ठीक करते आएगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने यहाँ पर आया है, आपको पता है कि हाँ यार यस ये एक काम होता है, लेकिन आप उसका पहला स्टेप ही नहीं रिकॉल कर पा रहे। आप बोल रहे हो कि क्लिक ही नहीं कर रहा सर कि यहाँ पे बिगिन कैसे करना है। क्लिक नहीं कर रहा मतलब आपको यहाँ पे क्लास की डिस्कशन से याद नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस किस डायरेक्शन में यहाँ पे सोचने के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। सो टूल्स आर लाइक फॉर्मुलेस एंड कॉन्सेप्ट्स जो आपको यहाँ पे सारे के सारे ध्यान में रखना है। अब हर एक क्वेश्चन में किसी न किसी एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर तो कोई सवाल नहीं आ रहा ना, आपके एजुकेटर्स आपको सब कुछ सिखा ही रहे हैं ना, राइट। तो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, इनमें से लेकिन सही कॉन्सेप्ट पिक करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और उसको अप्लाई करना है यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की, राइट। और उस केस में आपको यहाँ पर बार बार देखना पड़ेगा कि यार कौन सा टूल कैसा काम करता है, आपको रिविजन अपने क्लास नोट्स का सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपने ये पहली चीज भी अगर कर ली तो मैं बता रहा हूँ 80% जनता को तो आगे का वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही है कि आप यहाँ पे अपनी थ्योरी ही रिकॉल नहीं कर पाते हैं जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है और सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कई सारे बच्चे बोले नहीं सर मैं तो रोज रिवाइज करता हूँ सर, और मैं यहाँ पर सॉल्व भी करके देखता हूँ, तो चलो देखते हैं और क्या इशू हो सकते हैं आपके यहाँ पे, है ना, अगर आपसे अभी भी सवाल नहीं बन रहे हैं तो। लेकिन कॉन्सेप्ट इज किंग, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है ना, तो यहाँ पे सवाल बेटा आपके नहीं बनेंगे। ये पहले आपको मास्टर करना ही होगा, मतलब क्लास इलस्ट्रेशन तो आपको यहाँ पे याद रखने ही पड़ेंगे कि क्या क्या तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया है, राइट। अच्छा, दूसरी बात, आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में ही गड़बड़, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपके यहाँ पे डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो अब यहाँ पे जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे दसवीं क्लास तक के क्वेश्चंस नहीं है कि यार अगर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उसके अंदर वो दो चार पांच ही फॉर्मुलेस हैं, वही अप्लाई करके आता है, साइन अपॉन कॉस कर लो टेन को, या फिर आप वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, ऐसे दो चार पांच कॉन्सेप्ट हैं उनकी मदद से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो जेई का सिलेबस है इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर पहली बात तो कॉन्टेंट हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में पहली स्टेप सही से करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि वो कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको पीएनसी का एग्जांपल दिया था, तो आपको लग सकता है क्वेश्चन पढ़ के कि यार वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आपको कुछ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन अब आपको फर्दर क्वेश्चन में अच्छे से देखना है कि यार आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लेकिन वो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट में भी आपके क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिस्ट्रिक्शन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ग्रुपिंग का फंडा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रेडी हैं, इसलिए प्रॉब्लम वन तो रिजोल्व करना ही पड़ेगा पहले आपको, है ना, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ पाओगे। क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी आपकी तभी डेवलप होना स्टार्ट होगी जब आपके दिमाग में पहले सारे कॉन्सेप्ट है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दिस ओनली। क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में आपको क्वेश्चन पढ़ के पिन पॉइंट तरीके से बता देना चाहिए कि यार ये है वो कॉन्सेप्ट जिस पे बेस सवाल पूछा गया है। केवल ऐसा नहीं कि पीएनसी का क्वेश्चन है, या केवल ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, बस इतना मोटा मोटा ऊपर से देख लिया और बोला कि यार मुझे तो पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट। नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपके पास में बतेरे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से कौन से कॉन्सेप्ट पे एग्जैक्टली बेस्ड वो सवाल है आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सही कॉन्सेप्ट अगर आइडेंटिफाई किया है तो आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप उस सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे, राइट। इसके बाद में आप कुछ ना कुछ जो है डेटा यहाँ पे लिख लो, या फिर अगर फिगर बनाने की पॉसिबिलिटी है, अगर लेट से कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, एक बेसिक सा फिगर बना के हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, फिगर आपको यहाँ पर बनाने की आदत होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में अगली स्टेप क्या है आपकी, कि आपको यहाँ पे जो पूरा का पूरा क्वेश्चन का फ्लो है सॉल्यूशन का, वो दिमाग में क्लियर पहले कर लेना है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये निंजा वॉरियर टाइप का ट्रैक देखा होगा, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर जो है बड़े वियर्ड वियर्ड से ट्रैक होते हैं, उनके ऊपर जंप करना पड़ता है, कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे कूदना है, है ना, बहुत सारे, है ना, घूम घूम के जाना है, ऐसे वियर्ड से आपको ट्रैक दिखाई देते, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, है ना। तो ये जो पर्सन है जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, उसने पहले ही पूरे ट्रैक को देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पहुंच के सोच रहा है कि अच्छा अब मुझे आगे जंप भी करना पड़ेगा क्या, अच्छा मुझे यहाँ पे ये जिगजैग में जाना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। उस पर्सन ने इस पूरे प्रॉब्लम को अपने दिमाग में एक बार गो थ्रू करके रखा हुआ है। वैसे ही किसी भी क्वेश्चन को आपको अगर यहाँ पे सॉल्व करना है, आपको इस तरीके से दिमाग में पूरा एक फ्लो क्रिएटेड होना चाहिए कि क्या करना है, अच्छा प्लेन और लाइन का क्वेश्चन है,
अच्छा तो यार प्लेन और लाइन के क्वेश्चन में पहले तो मुझे यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़े, तो प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका मुझे पता है? अच्छा तरीका मुझे पता है, फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका डिस्टेंस मुझे दूसरे पॉइंट से रिपोर्ट करना है, तो क्या मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? हाँ मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है। अच्छा मतलब ये दो स्टेप करूंगा तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग द एंटायर फ्लो इन द माइंड इवन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है तो आपको यहाँ पर दिक्कतें कम आएंगी, आप यहाँ पे डिविएट कम करोगे और आपको पता रहेगा पहले से कि आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। राइट घर पे तो चलो आप यहाँ पे अगर बीच में अटक जाते हो तो आप यहाँ पे अपने नोटबुक को रिफर कर सकते हो, आप बुक को रिफर कर सकते हो और यहाँ पे अल्टीमेटली उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन आपको अगर पता है कि नहीं यार ये सब तो मैं कर सकता हूँ लेकिन ये वाली चीज शायद मुझसे नहीं होगी, अरे तो मत ही करो ना फिर। अगर आप सवाल को एंड तक नहीं ले जा सकते हो एग्जाम में तो भाई उसको छोड़ के आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा है। इसलिए ये आदत डालो, आपको कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग अगर यहाँ पे करनी है मेक श्योर कि क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में एक फ्लो बन गया, ये करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। राइट उसके बाद में आप यहाँ पे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड लास्ट स्टेप जो है क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में, भाई आपका यहाँ पे फोकस कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि यार अच्छा 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 ओ हो आपको वो पॉइंट प्लेन से और लाइन का इंटरसेक्शन निकालना था, अरे यहाँ पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसलिए फिर मैंने उस पॉइंट का जब अगले पॉइंट से डिस्टेंस निकाला तो वो तो सिंपल था डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, तो वो तो मैंने सही लगाया था लेकिन ये पॉइंट ही गलत निकल गया था, ओहो इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं मैच कर रहा था मेरा, अच्छा इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अरे भाई आपसे हो जाता क्वेश्चन सॉल्व लेकिन आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो वहां पे। आप यहाँ पे अगर इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच एकदम सही मानी जाएगी, और अगर ये आपकी बन जाती है तो आपको यहाँ पे फिर एकदम से ये जो आपका सवाल होता है ना कि सर थ्योरी तो हमें समझ में आती है क्लास में सब कुछ समझ में आता है लेकिन सवाल नहीं बन रहे हैं, आई गेस सेकंड इशू यहां से आपका रिजोल्व होगा। राइट फर्स्ट इज स्टिल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आपको थ्योरी यहाँ पर रिवाइज करनी है सही तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं, फिर आपको यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर काम करना है। ये दोनों प्रॉब्लम्स अगर आपने रेक्टिफाई कर दी तो मेजर बच्चों का इशू यहां पर रिजोल्व हो जाएगा, आपसे सवाल बनना स्टार्ट होंगे फॉर श्योर। लेकिन मैं टोटल आपके साथ में 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं और उनके लिए हमने यहां पे आगे क्या क्या सोचना चाहिए वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सो तीसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तीसरी प्रॉब्लम आपकी यहां पर हो सकती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन ही थ्योरी हो। अब ये जो चीजें हैं ये आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा ग्रो अप करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो जेई का सिलेबस है बच्चों ये बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बार एजुकेटर्स क्या करते हैं, बहुत बार एजुकेटर्स को पता होता है कि यार मैंने अभी ना इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया है, एजुकेटर्स को पता होता है लेकिन वो क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यार थ्योरी समझाने के फ्लो में वो अड़चन फील हो रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम सब एजुकेटर्स साथ में बैठ के बताते हैं कि यार ये वाले फ्लो में बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस क्या है आउटकास्ट हो जाते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन यार क्लास के बीच में थोड़ी कराएंगे, तो वैसे वाले क्वेश्चंस हम कहां डालते हैं फिर आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं कि डीपीपी में दे दिया है ना, या फिर बोल दिया कि अली बुक में वाला क्वेश्चन करके आना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर या प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कुछ पकड़ा दी यहाँ पे क्लास के एंड में, होमवर्क दे दिया कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार वो क्वेश्चंस भी एक तरीके से आपको सीखने के लिए ही दिए गए हैं, वो थ्योरी ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जैसे आप थ्योरी याद रखते हो ना वैसे ही उन क्वेश्चंस को याद रखना। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप यहाँ पे देखते हो तो आप उसको नोट डाउन करोगे, याद करोगे, ठीक है ना, और उसको जो है रिकॉल जैसे आप थ्योरी करते हो वैसे ही उन क्वेश्चंस को भी रिकॉल करोगे। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग वाले एक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन का बुरा नहीं मानना है बेटा, है ना। यहाँ पे रिएक्ट कैसे करना है कि वायर ऐसे भी होता है क्या, चलो ठीक है हम इसको भी याद रखेंगे अगली बार से। राइट तो ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है ना, ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है टू हैव, क्योंकि अगर ये सवाल आपके सामने नहीं आता जो अपने आप में एक थ्योरी आपको समझा रहा है तो शायद वो आपकी थ्योरी ही मिस हो गई होती है ना, या फिर थ्योरी को बिल्डअप करने में वो सवाल आपका काम आ रहा है। राइट सो ऐसे सवाल को आपने अलग से हाईलाइट करके रखना है ना। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं, है ना, लर्न थ्रू क्वेश्चंस वाली बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, यार ये क्वेश्चन ही लर्निंग के लिए बने हैं, आप उनको दिल पे मत लो कि हमसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, अरे किसी से नहीं होंगे वो सॉल्व, वो वाले क्वेश्चंस की लिस्ट अलग बनेगी, उनको अलग से संभाल के रखो, ठीक है। लेकिन चौथी प्रॉब्लम काफी रिलेटेबल है और काफी यहाँ पर जो है थर्ड प्रॉब्लम के भी जैसी फील होगी। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है यार क्वेश्चन सही में अच्छा होगा, आपसे अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो यार ऐसा थोड़ी है कि यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहे इज द ओनली इशू, यार कुछ प्रॉब्लम आपके अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो सच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दोस क्वेश्चंस। जैसे कि आप यहाँ पे जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस अगर देखोगे तो कई सारे एजुकेटर्स को भी यहाँ पर टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, जो यहाँ पे 10-10 15-15 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं और जो बहुत अच्छे एजुकेटर्स माने जा रहे हैं। राइट
उनको भी अगर आप यहाँ पे लेके आते हो तो वो भी बोलेंगे हाँ यार ये साल में कुछ तो है भाई। लेकिन क्या वो सवाल देख के एजुकेटर्स एकदम से निराश हो जाते हैं कि भाई हमारी तो पूरी मेहनत यहाँ पे खराब हो गई, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारी इज्जत कम हो गई? ऐसा नहीं सोचते एजुकेटर्स। एजुकेटर्स सोचते हैं कि वाह यार ये सवाल बहुत अच्छा है, ये वाला सवाल अब अगली बार से इस तरह का सवाल अगर मुझे आएगा ना तो मैं इस चीज को याद रखूंगा, है ना, ये जो जेई ने यहाँ पर पूछ लिया मैं इसको याद रखूंगा, और फिर उस तरह से फिर वो चीजों को आगे और डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस कभी भी अगर आपके सामने आते हैं जो सच में अच्छे हैं, तो आपको अगर यहाँ पे थ्योरी भी अगर पूरी पता होगी, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी अगर अच्छी होगी, तो भी वो क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो, है ना, पूरी इज्जत दो, स्टार मार्क लगाओ, 5 स्टार लगाओ, 10 स्टार लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग आपकी डेफिनेटली होना चाहिए आप। लेकिन ये मत भूलना कि भाई उनमें जो आपको सीखने को मिला है, जो आपको एक अच्छी एक्साइटिंग फीलिंग आई है कि यार ये है सवाल, यार ये बढ़िया सवाल, सारा कुछ पढ़ने के बाद भी ये वाले सवाल ने मुझे तंग किया, है ना, तो भाई रिस्पेक्ट के साथ में फिर उसको याद भी रखना है एंड मूव ऑन विदाउट एनी रिग्रेट। हर बार यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो ये दुख की बात नहीं होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में रखें सारे बच्चे, इट्स ओके, है ना। हम यहाँ पे कितनी ही मेहनत कर ले तभी एक आधा सवाल ऐसा आ सकता है जो हमें टक्कर दे, है ना, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमारी ग्रोथ वहीं से होने वाली है, राइट। लेकिन एक चीज और मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, है ना, बीच के दो प्रॉब्लम पॉइंट्स तो हमारे यहाँ पे काफी पॉजिटिव थे, मैं कहना चाहूंगा कि यार क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं और उसमें कुछ नया सीखने के लिए मिला है ना, या फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन का एक फ्लो या अप्रोच हमें पता चली है, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक सबसे सीरियस इशू यहाँ पर मैंने एक और जो है बच्चों के साथ में यहाँ पे रियलाइज किया है, विच इज दिस, कि आप यहाँ पे इतने ज्यादा फियरफुल हैं या फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम है कि आपसे इस वजह से वो छलांग नहीं लगाई जा रही है, है ना, वो जो फियर है ना वो आपको अटका दे रहा है, आप लगा सकते हो छलांग, बस आप यहाँ पे डरना अगर छोड़ दोगे ना तो आपसे वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे अपने क्लासेस लेता हूँ प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पे इंटरेक्शन जो बच्चों के साथ में हो रहा होता है, तो जैसे जैसे मैं कोई क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बच्चे उस टाइम पे भी बीच में से डाउट पूछते रहते हैं ना कि सर ये वाली स्टेप नहीं आई, वाली स्टेप नहीं आई, है ना सर ये सेकंड वाले पेज पे स्टेप नहीं आई सर, है ना, तो बच्चे पॉइंट आउट करके बताओ सर ये वाली स्टेप में क्या हुआ। अब बहुत बार पता है क्या होता है, उस स्टेप के अंदर केवल मैंने सिंप्लीफिकेशन किया होता है, अरे मैंने ना एक्स कॉमन निकाल लिया, अरे मैंने बेटा स्क्वायर ओपन कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ऐसे भी क्वेरीज पूछते हैं, हालांकि मैं यहां पे उनको आंसर करता हूं, है ना, लेकिन उससे मुझे क्या फील आता है मैं आपको बताता हूं, उससे मुझे फील आता है कि यार बच्चा डर रहा है। आपने अगर यहां पे है ना इस स्टेप से इस स्टेप आने में एक्स कॉमन निकाला था, आपको उस स्टेप में अगर समझने में दिक्कत आ रही है, तो यार आप 11th 12th के बच्चे हो, आप जेई के लेवल पे पहुंचे नहीं पहुंचे वो तो बात की बात है, लेकिन आपने 10वीं तो क्रॉस करी है ना, तो आपको ऐसे सिंपल वाले स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको आ रही है, राइट। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मतलब आप यहाँ पे अपने जो जेई के मे बी मैथमेटिक्स को ही, है ना, ऐसा हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स के साथ में ज्यादा है इसलिए ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे ज्यादा आते होंगे, बट मैं ऐसा फील करता हूँ कि बच्चे बहुत बार ना ऑलरेडी टॉपिक को बहुत बड़ा मान चुके होते हैं। जैसे कि कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो भाई पता नहीं दिमाग में क्या है उनकी कि कैलकुलस मतलब क्या बला है, कभी समझ में नहीं आएगी, भाई बैठो कभी साथ में, है ना, ऐसा समझाएंगे कि सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन क्या पहले से दिमाग में अगर ये रख दिया होगा ना कि यार नहीं हो पाएगा यार, सर मेरे से तो सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई थी सर, अब कैलकुलस कहाँ से होगा, भाई लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक सिंपल सा सवाल भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कम से कम ये सही तरीके से एक अच्छे एटीट्यूड से कम से कम उसको देखोगे। आप सोचने की कोशिश करोगे कि यार क्या ही होगा इसके अंदर, कैलकुलस के अंदर, है ना, डिफरेंशिएशन होगा या फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, लिमिट फाइंड करेंगे या फिर कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, कितना ही पूछ लेगा आपको, है ना, आपको यहाँ पे सारी चीजें जो बता रखी हैं उनमें से ही कुछ ना कुछ पूछेगा ना। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मेरे एजुकेटर ने मुझे जो ये कॉन्सेप्ट बताए हैं इनसे बाहर तो सवाल बनेगा ही नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो क्लास में डिस्कस हो चुका है और आपको सारा कॉन्सेप्ट याद भी है, आपने पॉइंट नंबर 1 अच्छे तरीके से यहाँ पे रियलाइज कर लिया है, तो डरने की बात नहीं, है ना। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, यार फियर ऑफ फेलियर इज बिगर देन द फेलियर इटसेल्फ। आपसे अगर सवाल सॉल्व नहीं होगा तो दैट्स ओके यार, लेकिन यार मुझसे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं ये सोच के आप जब बैठ जाते हो ना गुमसुम से होके, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे इन 5 प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझ पाए हैं, है ना, और रिलेट कर पाए हैं, तो बताइए कि आपको यहाँ पर कौन से वाले प्रॉब्लम ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल लगी है ना, जिसका सॉल्यूशन आपको ज्यादा हेल्पफुल लगा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको यहाँ पर बच्चों अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना, किसी भी एजुकेटर को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि सर आप बताइए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं ज्यादा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड आपको एडवाइस दूंगा, हो सकता है ना वो सर आपको ज्यादा फिजिक्स ओरिएंटेड एडवाइस दें, मोनिका मैम हो सकता है कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा अच्छी एडवाइस दें, ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बने रहें, आपके यहाँ पे कोई भी अगर क्वेरीज होते हैं यहाँ पर हमें बताते रहें, एंड डू
रीवॉच दिस वीडियो बच्चों, है ना, आप यहाँ पे फिर से एक बार देखें एंड थोड़ा सा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसको रिजोल्व करने के दो तरीके हमारे पास में हो सकते हैं। एक तो ऊपर ऊपर से इसको रिजोल्व कर दो कि यार अब मुझे कम से कम अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, है ना, अभी मुझे दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, या फिर हम उसके रूट कॉज को पकड़ें कि यार ये प्रॉब्लम एक्चुअली पनपी कहाँ से है, कहां से ओरिजिनेट हुई है प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार आपने रूट कॉज पकड़ के उसको यहां पे सही कर दिया ना, तो आपको आगे तक यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वो एक रियल सॉल्यूशन कहलाए, राइट। सो आज सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपके सामने रखे हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करें और आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। आपके सीनियर्स ने यहाँ पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए जेई 2023 में, और आपको भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर तो सारे एजुकेटर्स क्लासेस ले ही रहे हैं, लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। यलगार बैच आपकी क्लास 11 की है, योद्धा क्लास 12 की, और ड्रॉपर्स बैच आपके यहाँ पर ऑब्वियसली ड्रॉपर्स बच्चों के लिए है। आपके इन पर्टिकुलर प्राइजेस पे आप यहाँ पे अपनी बैचेस परचेस कर सकते हैं या फिर आप महा एक्सेस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारा ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है, जिसको हम प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उड़ान के साथ में आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो मेक श्योर दैट यू डू दैट, एंड आपका यहाँ पे प्यार बना रहेगा, तभी आपके एजुकेटर्स यहाँ पर मोटिवेटेड रहेंगे आप सभी के साथ में यहाँ पे एडवाइस शेयर करने के लिए, कंटेंट शेयर करने के लिए। सो फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, है ना, डू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर चैनल एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड आई विल बी राइट बैक विद यू एंड आई विल हेल्प यू विद अ लॉट मोर क्वेरीज दैट यू यूजुअली आस्क, चाहे आपकी यहाँ पे प्लस की बात हो, चाहे आप यहाँ पे स्पेशल क्लास में पूछते हो, चाहे आप यहाँ पे अपने लाइव चैट में पूछते हो, आपकी क्वेरीज जो है हम यहाँ पे रिजॉल्व करते रहेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट करते रहेंगे, जेई तक जेई की क्लैरिटी आपको यहाँ पर देते रहेंगे, आईआईटी तक पहुँचाना आपको हमारा यहाँ पर टारगेट है, ठीक है ना। लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए बच्चों आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। हम बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव हैं आपके यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, लेकिन आप अगर यहाँ पे, है ना, अपनी एफर्ट ला लेंगे, आपका यहाँ पर जो है डिसिप्लिन डालेंगे, तो आपकी रैंक और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी आएगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड टेक केयर एवरीवन।